Good morning, students. How are you? I hope you are studying very well. First of all, मैं अपना introduction दे देती हूँ. Myself, Ritu Garg, lecturer in English, and I am here with you to guide you. My video is going to be very informative, so please like my video, subscribe my channel, and share it with your friends. So let us start. What can you see here? Yes, you are right. This is a book. We all know we study from books, we read from books, but do you know the book that saved the earth? अब मैं आपका इस प्ले के सभी कैरेक्टर से इंट्रो करवा देती हूँ. हमारा जो फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज हिस्टोरियन. हिस्टोरियन एक सिंगल ह्यूमन बीइंग इस प्ले में है जो अपने प्रोजेक्टर के द्वारा ये शो करती है कि कैसे कुछ मार्शंस इस धरती पर हमारी अर्थ पर अटैक करने के लिए आए और कैसे एक सिंगल बुक ने इस अटैक को फेल किया. नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है दैट इज थिंक टैंक. थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स है. ही हैज ए ह्यूज एग शेप्ड हेड. वो ही हमारी इस धरती को अपने अधिकार में करना चाहता है. नेक्स्ट कैरेक्टर है नूडल. नूडल एप्रेटिंस है. नूडल थिंक टैंक के मुकाबले में मोर वाइजर है. नेक्स्ट है कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊ. ये सभी जो प्रोब वन इस अर्थ पर सेंड किया गया है उसके क्रू मेंबर्स हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द होल प्ले. इस प्ले की फर्स्ट सीन में नूडल थिंक टैंक को ग्रीट करता है और कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, यू आर द मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स. बट थिंक टैंक को अपना ये सैल्यूटेशन पसंद नहीं आता. वो नूडल को कहता है कि तुमने मेरे सैल्यूटेशन का कुछ पार्ट छोड़ दिया है, उसे कंप्लीट करो. अब नूडल उसे कंप्लीट करते हुए कहता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, यू आर द रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स, यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड पावरफुल क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स. अब थिंक टैंक खुश हो जाता है और कहता है कि हमारा जो स्पेस प्रोब है मेरा उससे कांटेक्ट करवाओ, वो किस प्लेनेट पर गया है. तो नूडल कहता है, ऑन अर्थ. यस यस, अर्थ सच एन इनसिग्निफिकेंट प्लेस, अ रिडिकुलस प्लेनेट, अ बोल ऑफ मड. ये सब चीजें थिंक टैंक हमारी अर्थ के बारे में कहता है. अब नूडल क्रू मेंबर से कांटेक्ट करता है और क्रू मेंबर्स बताते हैं दे हैव लैंडेड ऑन अर्थ. But they are confused because they have landed in a library, but the Martians do not know about library. They do not know about books. Now they have landed in a library, but they are confused because the Martians do not know about library. They do not know about books. So they ask, they request to think tank to guide them. Think tank उन्हें कहता है कि show me What is in your hand? आपके हाथ में क्या है मुझे दिखाओ. तो वो एक बुक पास ले जाकर थिंक टैंक को दिखाते हैं. तो थिंक टैंक कहता है, ओह दिस इज अ सैंडविच. सैंडविच है जो कि अर्थलिंग्स खाते हैं क्योंकि वो खाने पीने के बहुत शौकीन हैं. तो अब वो कहता है कि ऐसे करो, इसे खाओ. अब वो उन्हें खाने के लिए ऑर्डर देता है और आयोटा ओमेगा सब एक दूसरे पर इस बात को डालते हैं. And at last, Sergeant Oop eats the sandwich. You can say, Sergeant Oop eats the book. जब वो बुक पर बाइट करता है, but he does not like its taste. He says, it is very dry. How the earthlings swallow it without water? तो नूडल उन्हें अब करेक्ट करता है और थिंक टैंक को बहुत पोलाइटली कहता है कि these are not sandwiches. These are some type of communication devices. Earthlings इन्हें communicate करने के लिए use करते हैं. तो think tank कहता है, yes yes, मैं भी यही कहने वाला था. अब वो उन्हें order करता है कि इन्हें अपने कान के पास लेकर जाओ और इन्हें सुनने की कोशिश करो कि इनमें से क्या sound आ रही है. तो वो एक book open करते हैं और उन्हें अपने कान के पास ले जाकर कुछ सुनने की कोशिश करते हैं. But there is no sound. उसमें से कुछ भी साउंड नहीं आती है. तो वो कहते हैं थिंक टैंक को कि इसमें से कोई साउंड नहीं आ रही है. अब फिर से नूडल उन्हें सजेस्ट करता है कि दीज आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, दीज आर फॉर आई कम्युनिकेशन.
मैंने देखा है कि अर्थलिंग्स इन्हें ओपन करते हैं और इसमें से कुछ पढ़ते हैं, कुछ देखते हैं। नाउ थिंक टैंक ऑर्डर द क्रू मेंबर्स टू ओपन अ ह्यूज एंड ब्यूटीफुल बुक एंड ट्राई टू डिकोड इट। अब जो क्रू मेंबर्स बुक लेते हैं, द बुक इज मदर गूज। मदर गूज बुक, जो कि हम सभी जानते हैं नर्सरी राइम्स की बुक है, उसको वो ओपन करते हैं और वो बताते हैं कि इसमें कुछ डॉट्स हैं, इसमें कुछ लाइंस हैं, मीन टू से कि वो उसमें लिखा होगा, पढ़ नहीं पाते हैं। अब नूडल फिर से एक आइडिया देता है, वो थिंक टैंक को कहता है कि हमारे जो मेडिकल डिपार्टमेंट ने हमारे क्रू मेंबर्स को जो विटामिंस दिए हैं इंटेलिजेंसी इंक्रीज करने के लिए, उन्हें ऑर्डर दीजिए कि वो पहले विटामिंस खाएं और उसके बाद उसे डीकोड करने की कोशिश करें। तो थिंक टैंक उन्हें ऑर्डर देता है कि आपको जो विटामिंस दिए गए हैं उन्हें खाओ। सारे क्रू मेंबर्स अपने विटामिंस निकालते हैं और उन्हें खाते हैं और खाते ही कहते हैं ओहो आहा, यानी कि वो ये शो करते हैं कि विटामिंस खाते ही उन्हें वो सब लैंग्वेज समझ आने लग गई। नाउ थिंक टैंक ऑर्डर देम टू ओपन एंड रीड। जो फर्स्ट पोयम वो उसमें से पढ़ते हैं, दैट इज मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कंट्रेरी हाउ डज योर गार्डन ग्रोज विद सिल्वर बेल्स एंड कोकल शेल्स एंड सो माई गार्डन ग्रो। अब इस पोयम को पढ़कर थिंक टैंक थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो इसको समझता है कि अर्थलिंग्स को वो जितना फुलिश समझता था वो तो उतने फुलिश नहीं है, उन्होंने तो माइनिंग और एग्रीकल्चर को ज्वाइन कर लिया है, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। इसलिए वो नूडल को कहता है कि हमारा जो अटैक करने वाला क्रू है उसे कुछ देर के लिए रोको, क्योंकि हमें अर्थलिंग्स के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली है। थिंक टैंक ऑर्डर देम टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अर्थलिंग्स। अब नेक्स्ट पॉइंट जो वो पढ़ते हैं, दैट इज ही डिडल डिडल द कैट एंड द फिडल द काउ जंप्ड ओवर द मून द लिटल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट एंड द डिश रैन अवे विद स्पून। अब जब डिश रैन अवे विद स्पून वो पढ़ते हैं तो उसे पढ़कर सर्जेंट ओप को हंसी आ जाती है, तो थिंक टैंक उन्हें डांटता है और कहता है कि हंसो मत, तुम्हें पता नहीं कि ये अर्थलिंग्स कितने एडवांस हो चुके हैं, इन्होंने तो अपने एनिमल्स को भी सिविलाइजेशन सिखा दिया है, हमें कुछ समय के लिए इस अटैक को रोकना पड़ेगा और इन्फॉर्मेशन दो मुझे अर्थलिंग्स के बारे में। अब वो थर्ड पोयम जो ओपन करते हैं, दैट इज हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन अ वॉल हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल ऑल द किंग्स हॉर्सेज एंड ऑल द किंग्स मैन कुड नॉट पुट हम्प्टी डम्प्टी टुगेदर अगेन। अब ये पोयम में, क्योंकि ये नर्सरी राइम्स की बुक है और हमें पता है कि नर्सरी राइम में बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए साथ में पिक्चर्स भी दिखाई जाती हैं, अब जो हम्प्टी डम्प्टी की पिक्चर हम सब ने भी देखी है कि हम्प्टी डम्प्टी का एक बैलून शेप हेड दिखाया जाता है, एग जैसा हेड, और लेसन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि थिंक टैंक हैज ऑल्सो अ ह्यूज एग शेप्ड हेड। अब थिंक टैंक को ये लगता है कि ये हम्प्टी डम्प्टी और कोई नहीं बल्कि वो मैं ही हूँ, यानी कि अर्थलिंग्स मेरे बारे में जानते हैं और उन्होंने मुझे पकड़ने के लिए प्लानिंग कर रखी है, ये तो मुझे पकड़ लेंगे। वो इतना डर जाता है कि वो नूडल को ऑर्डर करता है कि नो, अब हम इस अर्थ पर अटैक नहीं करेंगे, अब हम इस अर्थ को जल्दी से जल्दी छोड़कर चले जाएंगे। और इसीलिए वो क्रू मेंबर्स को भी कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ और हमारे यहाँ आने के जितने भी साइन थे, जितने भी निशान थे, वो सब भी हटा दो ताकि अर्थलिंग्स को कभी ये पता ही नहीं चले। इन दिस वे एक नर्सरी राइम्स की बुक ने, जिसका नाम है मदर गूज, उसने हमारी अर्थ को मार्शंस अटैक से सेव कर लिया। थिंक टैंक इतना डर गया कि उसने नूडल को कहा कि वो मार्स से माइल्स अवे दूर जाना चाहता है और इस प्रकार से वो मार्स छोड़कर भी चला जाता है। कुछ टाइम बाद में मार्स का नया रूलर बनता है नूडल, जो कि ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और वो हमारी अर्थ पर अटैक नहीं करता बल्कि अर्थलिंग्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बनाता है और अर्थलिंग्स मार्शंस को बुक्स पढ़ना सिखाते हैं। लेकिन एक सिंगल बुक जिसे मार्शंस अभी भी डरते हैं, जिसे वो अभी भी पढ़ना नहीं चाहते, कौन सी है वो बुक? यस, दैट बुक इज मदर गूज। आई होप
यू विल लाइक द वीडियो। सो मैं नेक्स्ट अपनी वीडियो के साथ मिलूंगी।